जैसा कि हमने क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, और साथ में हम लोग ये भी समझ चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो कितने सॉरी रासायनिक समीकरण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और एक असंतुलित। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा किस समीकरण का यूज किया जाता है, संतुलित समीकरण का कि असंतुलित समीकरण का, या फिर इन दोनों में से अगर हम किसी का यूज करते हैं तो इसका रीज़न क्या है वो यूज़ करने का। एक यूज नहीं किया जाता है और एक हमेशा यूज करते हैं, तो इसका रीज़न क्या है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि हमारे जो भी अपडेट्स हों वो आपको मिलता रहे। अगर आपने आपको अगर इस वीडियो का अगर नोट्स डाउनलोड करना हो तो आप हमारे वेबसाइट www.dareclass.com पर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से बताए थे। एक होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है इसका एक और नाम है ढांचा, या फिर हम लोग इसको कंकाल भी कहते हैं, कंकाल रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा उपयोग जो किया जाता है वो संतुलित रासायनिक समीकरण का कहते हैं किया जाता है। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है तो उसे जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा यूज जो किया जाता है संतुलित का, रीज़न क्या है, असंतुलित और असंतुलित में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखिए, संतुलित में क्या होता है कि कोई भी समीकरण है तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो तत्व होते हैं उनकी परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि कार्बन को हवा में जलाते हैं, ठीक है, जब हम लोग कार्बन को बर्न करेंगे वायु में तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए, इसमें दोनों साइड तत्व के जो भी परमाणुओं की संख्या है वो क्या है, समान है। कार्बन कितना है, एक है, कार्बन इधर कितना है, एक है, ऑक्सीजन इधर कितना है, दो है, इधर कितना है, दो है। ठीक, असंतुलित क्या होता है, जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या का हो, एक समान नहीं हो। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O बनाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, दो, इधर दो, ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितना है, दो है, इधर एक है, यानी कि ये कौन सा समीकरण हुआ, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी पदार्थ जो है जब रासायनिक अभिक्रिया जब होता है उसके साथ में तो क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है और न ही कोई परमाणु जो है या पदार्थ जो है वो नष्ट होता है। ना तो नया बनेगा, ना तो क्या होगा, कोई नाश होगा, यानी कि परमाणु जो है जितने परमाणु है उतना ही परमाणु रहेंगे। तो अब बताइए कि जितने परमाणु भाग लिए थे उतने ही परमाणु होने चाहिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु थे लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना है, एक है, तो एक गया कहाँ। तो इसलिए हमको इसको संतुलित करना जरूरी होता है ताकि दोनों ओर बैलेंस बना रहे, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो सके। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण ही हम लोग किसी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ बनते हैं और ना ही नए पदार्थ का क्या होता है, नाश, मतलब सॉरी, नए पदार्थ न बनते हैं और ना ही पदार्थों का नाश होता है। जो होते हैं वही आपस में नए तरीके से जुड़ करके अलग पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, अलग गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसमें कोई नए परमाणु का निर्माण नहीं होता है। इन कारणों से हम लोग ऐसा करते हैं। चलिए, अब हमें सीखना है कि अगर कोई रासायनिक समीकरण असंतुलित है तो उसको संतुलित कैसे किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे जब हमारे पास असंतुलित हो। तो देखिए, जो हमारे पास संतुलित करने का विधि है उसे कहते हैं अनुमान द्वारा संतुलन की विधि, अनुमान द्वारा संतुलन की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो बहुत सारे तरीके हैं संतुलित करने का, लेकिन ये जो सबसे इजीस्ट है और जिसमें तुक्का लगाते हैं इसको कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इस मेथड में यही किया जाता है कि दोनों साइड में
अनुमान लगा करके कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि दोनों साइड परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए। एग्जाम्पल H2+O2 क्या हो जाएगा, H2O। देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, दो है, इधर है दो, ठीक है, ये तो इक्वल है। ऑक्सीजन इधर कितना है, दो है, इधर ऑक्सीजन एक है, तो इधर कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ऑक्सीजन का जो नंबर है वो इक्वल हो जाए, यानी कि इधर भी दो हो जाए, इधर भी दो हो जाए। तो इधर एक है, अगर दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दो दो साइड दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखें, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम पैर के पास नहीं करते हैं, या फिर आप उसको सोचेंगे कि बीच में ऐसा लिख देते हैं तो टू हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ऐसा भी नहीं करते हैं। हम लोग टू को कहाँ लिखेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के आगे लगाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको संतुलित करना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको संतुलित करना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आइए चेक किया जाए। तो इधर क्या है, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन दो है, इधर कितना हाइड्रोजन, टू टू जा फोर हो गया, अब लीजिए इधर चार हो गया, इधर कितना है, दो है, अब इधर भी हाइड्रोजन कितना चाहिए, चार चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, टू से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई कर दिए तो टू टू जा फोर हो गया, इधर भी टू टू जा फोर, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, टू है, ऑक्सीजन कितना है, टू। देखिए यहाँ पे जो टू है ये सबके लिए होता है, इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे उन सब के लिए ये वाला नंबर काम करेगा, ठीक है। और उसके पास जो पैर के पास होता है तो उसके लिए ये है। तो इस तरीके से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। आइए एक और इजी से ले लिया जाए, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए इसमें क्या, हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन भी दो है, लेकिन इधर दोनों एक एक है, इधर टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन टू, इधर हाइड्रोजन टू, क्लोरीन टू, क्लोरीन टू, क्योंकि ये जो टू है सबके लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो हाइड्रोजन टू टू हो गया, क्लोरीन भी टू टू हो गया। चलिए तो चलिए हमारे पास अब जो नेक्स्ट समीकरण है वो है कि मैग्नीशियम को जब हम लोग क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक याद रखिएगा क्वेश्चन होता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उससे हम लोग अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं, ऐसा क्यों है। देखिए जो मैग्नीशियम है उसको हम लोग जब जलाएंगे तो जलाने से पहले उसको बहुत अच्छी तरीके से उसके सरफेस को साफ कर लेते हैं। रीज़न क्या है कि इसके ऊपर एक परत रहता है, लेयर रहता है मैग्नीशियम का, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है तो क्या होता है आपका, एक परत इसके ऊपर जम गया होता है जो कि ओरिजिनल मैग्नीशियम नहीं होगा। तो इसके ऊपर की इस परत को हटा देते हैं ताकि हमें जो शुद्ध मैग्नीशियम हो वो प्राप्त हो जाए। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद जलाते हैं। तो जब इसको जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें राख प्राप्त होगा, वाइट कलर का, ये उजला कलर का प्राप्त होगा। अब देखिए तो इसे हमें संतुलित करना है, क्योंकि ये अभी जो अभिक्रिया देख रहे हैं, रासायनिक समीकरण जो देख रहे हैं कैसा है, असंतुलित है। मैग्नीशियम का संख्या कितना है, इधर वन है, इधर मैग्नीशियम कितना है, एक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, टू है, इधर ऑक्सीजन देखिए कितना है, एक है, तो इधर दो है, इधर एक है, तो इधर और इधर दोनों साइड में क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर टू है तो इधर हमें टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या हुआ कि मैग्नीशियम टू हो गया और ऑक्सीजन भी टू हो गया, तो ऑक्सीजन टू था और ऑक्सीजन टू हो गया, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो चेंज हो गया, मैग्नीशियम कितना हो गया, इधर टू हो गया, लेकिन इधर कितना था, वन है, तो इधर वन है, इधर टू है, तो इधर को टू करने के लिए कैसा करना पड़ेगा, हमें टू से मल्टीप्लाई। देखिए जब भी हम संतुलित करें तो एक बार लास्ट में ज़रूर चेक कर लीजिए संतुलित करने के बाद कि क्या सही है ना, क्योंकि ये चेंज हो सकता है कई बार, तो इसको जब हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ बदल जाते हैं, तो चेक करते रहिए बीच बीच में। मैग्नीशियम कितना, दो, ऑक्सीजन कितना, दो, मैग्नीशियम दो और ऑक्सीजन भी दो, यहाँ वाला जो नंबर होता है वो सबके लिए होता है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो समीकरण है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है H2O, ठीक है। इसको संतुलित करना है, देखिए इसमें सोडियम कितना है, एक है, इसमें सोडियम कितना है, दो, तो ऐसा करेंगे हम टू से मल्टीप्लाई कर दिए, सोडियम कितना हो गया, दो, इधर भी सोडियम, टू हो गया। हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन, ये टू जो है ये सबके लिए है, तो टू, एच है, इधर एच कितना है, टू है, ठीक है। अब बात करेंगे कार्बन का, कार्बन कितना है जी इधर, तो ये टू है, क्योंकि ये जो टू है ये सबके लिए है, तो कार्बन हो गया, तो इधर देखिए कार्बन कितना है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, कार्बन भी आपके कितने हैं,
टू हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना है दीदी, थ्री टू जा सिक्स, यानी इधर है सिक्स, इधर है, चेक किया जाए तो यहाँ है थ्री, यहाँ है टू और यहाँ है वन, तो कितने हो गए, थ्री टू वन और वन, थ्री टू फाइव और वन, सिक्स हो गया, दोनों साइड में सिक्स सिक्स। इस तरीके से आपका ये जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित हो गया। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों को अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बन जाता है, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। संतुलित कीजिए, नाइट्रोजन कितना है, दो है, इधर कितना है नाइट्रोजन, वन है। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर की संख्या इधर की संख्या समान करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे नाइट्रोजन कितना हो गया, टू हो गया। हाइड्रोजन कितना है जी, इधर हाइड्रोजन टू है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, तो थ्री टू जा सिक्स, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर हाइड्रोजन है सिक्स, लेकिन इधर जो हाइड्रोजन कितना है, टू है। कितना से मल्टीप्लाई कर दे तो सिक्स हो जाए, थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया सिक्स। चलिए संतुलित चेक कर लीजिए, एन टू एन टू, इधर हाइड्रोजन सिक्स, हाइड्रोजन सिक्स। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। चलिए तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो ये है कि C3H8 को हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं CH3H, इसका नाम है प्रोपेन, तो प्रोपेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। याद रखें किसी भी हाइड्रोकार्बन को, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो उसको अगर हम जलाते हैं, खास करके एल्केन समूह के, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये प्रोपेन है, इसको जलाएंगे तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। चलिए संतुलित करना, इसे कार्बन कितना इधर थ्री है, कार्बन इधर कितना है टू है, सॉरी वन है, तो इधर वन है उधर ये थ्री है, इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, थ्री से मल्टीप्लाई। हमने बताया कि थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ करेंगे, यहाँ नहीं, ऐसा गलती मत कीजिए कभी, यहाँ पर कीजिए, ठीक है। तो ये थ्री हो गया, कार्बन थ्री, कार्बन थ्री। अब H की बात करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है जी, एट है, यानी आठ है, इधर कितना है दो है, कितना से गुना कर दें, चार से गुना कर दीजिए तो आठ, ये भी ख़त्म। अब बात आता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर पता कर ले कितना है, इधर तो टू है, इधर थ्री टू जा सिक्स, इधर फोर है, ये जो नंबर है ये सबके लिए आता है, तो कितना हो गया, चार हो गया, टोटल कितने हो गया, सिक्स फोर टेन, यानी दस। इधर है दो, कितना से मल्टीप्लाई कर दे तो दस आ जाए, तो पाँच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, दस आ जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पाँच से मल्टीप्लाई कर दिए, दस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देंगे हमारे www.deadclass.com पर से जाकर के, उसको डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम आता है तो आप उससे पूछ भी सकते हैं। चलिए धन्यवाद।